Dear students, good morning to all of you. आज हम कुछ bodies के center of mass की position calculate करने जा रहे हैं. उसमें से पहला है semi circular ring. आधा ring का center of mass कहाँ होगा? हमें पूरे ring का center of mass मालूम है कि ठीक उसके center पे होता है. तो उसका आधे क्या? आधा सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हमको मालूम करना है. तो लीजिए, हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग लिया ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मास मान लीजिए इसका कैपिटल एम है. तो इस पूरे सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल रेडियस पे होना चाहिए, सिमेट्री कहता है. यदि मैं यहाँ से इतना पोर्शन लूँ और ठीक उसके सामने उतना ही बड़ा पोर्शन लूँ तो इसका मास तो इक्वल होगा, इक्वल मास है मान लीजिए. तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ठीक इनके सेंटर पे यानी इस लाइन पे आएगा. तो इस तरह से इधर से कुछ पोर्शन, इधर से उतना ही पोर्शन लेकर के यदि हम सेंटर ऑफ मास देखें तो कहाँ आएगा? इसी लाइन पे आएगा, इसी रेडियस पे आएगा, विच इज द वर्टिकल रेडियस ऑफ द रिंग. तो इस वर्टिकल रेडियस पर ही इस रिंग का, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आना चाहिए. तो चलिए, उसकी पोजीशन मालूम करने के लिए हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं. तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया थीटा एंगल पर, इतना बड़ा. जो कि अपने सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो है मान लीजिए डी थीटा. डी थीटा एंगल सब्सटेंड करने वाला एक छोटा सा इसका एलिमेंट लिया. कितने एंगल पे लिया? थीटा एंगल पे लिया. तो इस छोटे से एलिमेंट का मास मान लीजिए डीएम है. हमें ये डीएम ही कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो डीएम कैलकुलेट कैसे करना है, एलिमेंट का मास किस तरह से निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करो, इसका यूनिट लेंथ का मास निकाल लीजिए. तो मास ऑफ द रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग हमने मान लिया कैपिटल एम एंड रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर. तो मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? तो चलिए हम उसको लैम्डा कहें. तो लैम्डा बराबर होगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ. तो टोटल मास तो एम है, लेंथ कितना हो गया? पूरे रिंग का होता है टू पाई आर. तो यहाँ तो आधा रिंग है, तो आधा रिंग का हो गया पाई आर. यूनिट लेंथ का मास इतना होगा एंड देयरफॉर मास ऑफ द एलिमेंट तो हमें इसके पहले के लेंथ लेना पड़ेगा, ठीक है. इसका पहले लेंथ निकालिए. तो टेक एन एलिमेंट एट एन एंगल थीटा. हमने डी थीटा एंगुलर विड्थ का एक एलिमेंट लिया. इस विड्थ लेंथ इज इक्वल टू डीएल. इस एलिमेंट की लेंथ मान लीजिए डीएल है, तो डीएल बाई आर लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है? एंगल.
तो हो गया डी थीटा, एंड देयरफॉर डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। इतनी लेंथ का वो एलिमेंट है, तो यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो फिर उसी लेंथ का मास कितना होगा, एंड देयरफॉर मास ऑफ द एलिमेंट डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। यूनिट लेंथ का एल लैम्डा है, तो डीएल लेंथ का हो जाएगा इतना। तो चलिए लैम्डा की वैल्यू इसमें रख लेते हैं एम अपान पाई आर, और डीएल की वैल्यू मैंने रख दिया आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो आर तो हो गया कैंसिल, तो इट इज एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। इतने मास का वो एलिमेंट है, इतने मास का एलिमेंट है। तो उस हमारे इस रिंग की जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर, तो वाई सी एम के बराबर है, इधर कहीं पर आता है जो कितनी हाइट पर है, वाई सी एम के बराबर। तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वाईसीएम विल बी इक्वल टू वाई डीएम अपॉन डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास, जहां डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है, हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, तो लिमिट होगा थीटा, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, जीरो से लेकर के यहां पर हम एलिमेंट लेते हैं तो जीरो एंगल पर, इधर हम लेते हैं तो पाई एंगल पर, यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल आप टर्न होंगे, तो जीरो टू पाई, जीरो टू पाई। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे रिंग का मास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मीन्स मास ऑफ द टोटल रिंग। तो पूरे रिंग का मास हमको हमने लिया हुआ कैपिटल एम, यहाँ वैल्यू हम रखते हैं, यहाँ वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एलिमेंट हमने लिया है वो कितने डिस्टेंस पे लिया है, वाई डिस्टेंस पे, यदि हम वर्टिकल डिस्टेंस का है तो वाई डिस्टेंस पे लिया है हमने। ये हो गया रेडियस। तो y की वैल्यू में यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, y की वैल्यू वहां से कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। dm तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही रखा है, तो sinc y by r means perpendicular upon hypotenuse क्या होगा, sin theta, एंड therefore y is equal to r sin theta, r sin theta, and integration of dm is equal to the total mass of the ring। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, dm के भी वैल्यू हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, तो y cm will be equal to integration of y, y की जगह हो गया r sin theta, dm की जगह हो गया m upon phi इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज जीरो टू पाई। तो चलिए भाई, बस इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो एम इज कॉन्स्टेंट, नीचे भी एम है, कैंसर, आर इज आर जो कॉन्स्टेंट, पाई इज कॉन्स्टेंट, इनको तो आप बाहर कर लीजिए, इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, जो बाकी जो बची है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या मिल रहा है, आर अपॉन पाई, आर अपॉन पाई। अब बढ़िया साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, माइनस कॉस थीटा विद इन द लिमिट जीरो टू पाई। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो आर अपॉन पाई ऊपर वाली लिमिट रखा
तो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। या आप माइनस को बाहर करके सीधा सीधा थीटा की वैल्यू भी रख सकते हो, जैसा भी है। तो कॉस पाई जो होता है माइनस वन, माइनस वन, तो माइनस माइनस वन है, माइनस माइनस वन, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस जीरो होता है वन, कॉस जीरो होता है वन, तो क्या मिला? एंगुलर फॉर वाई सी एम पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाई टू आर बाई पाई, टू आर बाई पाई हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास हमको मिलेगा। तो ये है पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, टू आर बाई पाई हाइट पर होता है, ये टू आर अपॉन पाई हाइट पर मिलता है। ठीक, इस रिजल्ट का यूज हम अगले वाले बॉडी में करने वाले हैं। तो अगला वाला बॉडी क्या है? सेमी सर्कुलर डिस्क। ये सेमी सर्कुलर रिंग था, अब हम ले रहे हैं सेमी सर्कुलर डिस्क, थिन डिस्क, एक पतला सा डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास हमें मालूम करना है। और उस समय हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे, टू आर बाई पाई। तो चलिए, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, अब ये पूरा सॉलिड है इस तरह से, एक पूरा डिस्क है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आप, और इसका मास हमने मान लिया एम। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इसी वर्टिकल रेडियस पे मिलने वाला है। सिमेट्री ही कहता है कि इधर का मास का सेंटर तो इसी लाइन पे आएगा। का पूरे सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होना है। तो इसके लिए क्या करें? फिर से एक एलिमेंट सेलेक्ट करें। तो यहां पर मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया एक पतला सा एलिमेंट मैंने लिया, जिसकी रेडियस मान लीजिए एक्स है और थिकनेस मान लीजिए dx है। तो dx थिकनेस और x रेडियस का एक एलिमेंट मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है। तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यदि हमको मालूम करना है, उसकी पोजीशन मालूम करना है, तो हमें अपने एलिमेंट का मास निकालना पड़ता है। तो हम पहले इसी का मास कैलकुलेट करेंगे। तो हमने मान लिया कि मास ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू एम एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। ये आपको डिस्क की प्रॉपर्टी हो गई। तो यहां तो पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट था, इसलिए हमने यूनिट लेंथ का मास कैलकुलेट किया था। यहां पर पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम यूनिट एरिया का मास फाइंड आउट करेंगे। तो मास ऑफ पर यूनिट एरिया, मास ऑफ पर यूनिट एरिया, चलिए हम तो सिग्मा लेते हैं, तो टोटल मास अपॉन द टोटल एरिया। तो एक पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
एक पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे सर्कल का कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बाई टू, एंड देयरफॉर इट इज टू एम बाई पाई आर स्क्वायर, इतना होगा यूनिट एरिया का मास। अब चलिए हमने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसका एरिया कैलकुलेट करें। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट ऑफ रेडियस एस एंड विड्थ डी एस, तो x रेडियस और dx विड्थ का जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका एरिया कितना हुआ, तो एरिया dA इक्वल टू एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। यदि हम इसको यहां से अलग करें, अलग करके इसको फैला दें तो कुछ इस तरह का एक पतला सा स्ट्रिप मिलेगा। इस स्ट्रिप का लेंथ इस पूरे एलिमेंट के लेंथ के बराबर होगा, जो आधे सर्कल के समान है बराबर है। पूरा सर्कल होता तो 2 पाई एक्स, आधा है तो कितना हो गया पाई एक्स, और विड्थ तो हमने माना है डी एक्स, तो एरिया कितना हो गया पाई एक्स इंटू डी एक्स। पाई एक्स इंटू डी एक्स इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो फिर इस एलिमेंट का मास कितना हुआ, इस एलिमेंट का मास कितना होगा, देयरफॉर मास ऑफ द एलिमेंट डीएम ये बराबर हुआ सिग्मा इंटू डीए, यूनिट एरिया का सिग्मा है तो डीए एरिया का इतना मिलेगा सिग्मा इंटू डीए, तो सिग्मा तो है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और डीए एरिया यह है पाई एक्स डीएक्स, पाई एक्स डीएक्स, पाई हो गया कैंसिल, तो यू है 2mx dx divided by r square, 2mx dx divided by r square, ये हो गया इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी वर्टिकल लाइन पे होगा, ठीक इसी वर्टिकल लाइन पे होगा। और कहाँ होता है, तभी हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, r कितना x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बाई पाई। तो इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यदि हम y माने तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन पाई, तो इतनी डिस्टेंस पर ये मास है, ये भी हमको मालूम हो गया, एंड देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क YCM इज गिवन बाय YDM अपॉन DM, YDM अपॉन DM। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो ऐसा एलिमेंट हम यहाँ से O से लेकर के ऊपर पॉइंट P तक ले सकते हैं पूरा, यानी लिमिट हो गया O से लेकर के R, O to R, ठीक है, जीरो टू R।
तो जीरो से आठ पूरे एलिमेंट के मास का जब हम सम निकालें, सारे एलिमेंट के मास का भी हम सम कैलकुलेट करें तो पूरे डिस्क का मास हो जाएगा। तो इसके इंटीग्रेशन तो आपका मास ऑफ द डिस्क है, ऊपर वाले की वैल्यू हम रखते चले तो जीरो टू आर, वाई की वैल्यू हमको मिला है टू एक्स अपॉन पाई, टू एक्स अपॉन पाई, डी एम हमको मिला है टू एम एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर, और नीचे का इंटीग्रेशन हो गया टोटल मास ऑफ द डिस्क। तो देखो m इज ए कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट कैंसल, इंटीग्रेशन के भीतर यदि कोई कॉन्स्टेंट है तो आप उसको ऊपर नीचे से कैंसल कर सकते हो, तो हमने कर दिया। अब भीतर क्या क्या बच गया, इंटीग्रेशन किसको करना है, ठीक है, तो जो जो कॉन्स्टेंट है उनको भी जरा बाहर कर लीजिए। तो क्या कॉन्स्टेंट मिला ऊपर, 4 बाई पाई आर स्क्वायर, 2 × 2 = 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर इतना हो गया बाहर, 2 × 2 = 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर बाहर, तो भीतर बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, द लिमिट इज 0 to R। अब तो एक बहुत आसान से इंटीग्रेशन आ गया आपके सामने, तो यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 बाई पाई आर स्क्वायर इसको कॉन्स्टेंट हो गया बाहर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो पावर में ए वन एड किया और जो नया पावर बना उसे से डिवाइड भी कर लिया और लिमिट रखा 0 से R x³/3। अब ऊपर लिमिट रखेंगे तो हमको मिल जाएगा R³/3, नीचे वाला रखेंगे तो 0, तो कुल मिलाकर इसका इंटीग्रेशन हमको लिमिट के साथ मिल रहा है। वाई पी एम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बराबर हुआ 4 upon πr² × R³/3, R³/3, तो दो आर हो गए कैंसिल एंड देयरफॉर भी है 4R upon 3π। इतनी हाइट पर हमको हमारे डिस्क का सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कि तुमने एक्स डिस्टेंस एक्स रेडियस का एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो उस एक्स एलिमेंट एक्स रेडियस के एलिमेंट का मास एक्स डिस्टेंस पे नहीं लोगे, कितने डिस्टेंस पे लोगे, 2x/π, क्योंकि ये तो सेमी सर्कुलर रिंग हुआ, सेमी सर्कुलर रिंग का मास 2R/π डिस्टेंस पे होता है और यहाँ पर R की जगह x हो गया, तो 2x/π डिस्टेंस पे मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, इट इज इम्पॉर्टेंट। यदि आपने उसकी पोजीशन x ले लिया तो फिर सब गलत हो जाएगा, ठीक है, कि हमारा एलिमेंट का जो मास है वो एक्चुअल में कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको लेना पड़ता है जी। तो बच्चों ये था सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का तरीका। तो ऐसा कोई भी आपको बॉडी दिया जाए तो आपको पहले उस बॉडी का एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, उस एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना है, वो मास कहाँ पर हम मान सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो आपको y लेना है या x लेना है। अगर आपने x एक्सिस पे लिया है तो y एक्सिस पे लिया है तो उसको y मान लीजिए और फिर इंटीग्रेशन ऑफ y dl बाय इंटीग्रेशन ऑफ dl इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए और अपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप उस इंटीग्रेशन को करने के बाद मालूम कर लीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ और बॉडी के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और जय हिंद।